सचिन का जो परिवार है वो कभी लाइव में नहीं आता था, लेकिन तूने उन्हें मजबूर की कर दिया लाइव में ला करके, और उन्हें भी समाज के अंदर जो तू गंदगी फैला रही थी उस गंदगी को फैलाने में तूने बराबर का हिस्सेदार सचिन की फैमिली को भी कर दिया। अब तू उन्हें उठाकर हिंदुस्तान के लोगों की मजाक उड़ाती है, हिंदुस्तान के वकीलों की मजाक उड़ाती है, हिंदुस्तान की माँ बहनों को गालियां देती है, हिंदुस्तान के लोगों को तू जयचंद बताती है। अरे तू पास से आई हुई महिला, तू बताएगी क्या हमारे भारत के लोगों को कि कौन जयचंद है और कौन वफादार है? तू है कौन ये बताने वाली? भारत का कोई भी नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भारत की भूमि में भारत के लोगों का जन्म ही उसकी वफादारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। भारत के लोगों पर किसी प्रकार की उंगली मत उठाया कर, ये भारतीय लोग हैं। भारतीय लोग मरते मर जाएंगे लेकिन अपने वतन पर, अपने भारत पर इतनी सी भी आंच नहीं आने देंगे। तो भारत के लोगों को की मास्टर नहीं बनने की कोशिश मत कर, उनको पढ़ाने की कोशिश मत कर। भारत के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी तेरे से ज्यादा समझ रखता है। भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी सीमा हैदर तेरे से ज्यादा अकल रखता है। कहां है? जहां तेरी अकल शुरू होती है वहां भारत के अनपढ़ की अकल स्टार्ट होती है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसलिए अपनी औकात में रहकर बाहर, अपनी औकात से बाहर मत निकला कर। और ये जो कर रही है ना तू, चैनल बंद नहीं हुए, ये नहीं हुआ, और मैं तो लाइव आ रही हूं, मैं तो ये कर रही हूं, तो ठहर जा, सबर कर। भारत में कोई सीमा हैदर और गुलाम हैदर के केस नहीं है। भारत के अंदर लाखों हजारों करोड़ों केस जो है वो भारतीय लोगों के भी हैं। कि मैंने एक बाइट देखी, लोगों ने मुझे भेजी भी कि सीमा हैदर के और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं उनको खतरा है, वो कह रहे हैं कि उनको खतरा है, हमसे खतरा ये है वो है। देखो ये बिल्कुल मोरली, सोशली, लीगली और स्पिरिचुअली ये लोग डेड हो चुके हैं। ये लोग स्पिरिचुअली भी डेड हो चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से डेड हो चुके हैं, मोरली भी ये लोग डेड हो चुके हैं, और हर प्रकार से ये लोग इन बिल्कुल डेड हो चुके हैं, कानूनी रूप से भी डेड हो चुके हैं। अब इनके पास मां शिवा कीचड़ उछालने के, मां शिवा इल्जाम लगाने के, और छोटी मोटी कमी कोई मिल जाए उसको बढ़ा चढ़ा के बोलने के और कुछ चारा नहीं बचा इनके पास। हमने ही इस बात को कहा था कि अगर बच्चों को खतरा है तो वो इन लोगों से खतरा है। हमने तो यहां तक भी कहा था कि अगर सीमा पर या सचिन पर किसी प्रकार का हमला हो जाता है तो उसके पीछे भी ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर को फंसाना, ये लोग चाहते हैं मोमिन मलिक को फंसाना, और मोमिन मलिक को रोज ये मार के सोते हैं लेकिन सुबह फिर इनको जिंदा मिलता है। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनको जो मीडिया में क्रेज मिल रहा था, जो सोशल मीडिया में क्रेज मिल रहा था, जो वाई वाई ये लूट रहे थे, एक साल से मीडिया को बेवकूफ बना रहे थे, वो सब हमारे आने की वजह से खत्म हो गया। तो अब इनको वो चीज खप नहीं रही है, इनको वो चीज हजम नहीं हो रही है, तो ये उल्टे सीधे इल्जाम जो हमने ही कहा कि इनसे खतरा है बच्चों को, वो उल्टी बात हमारी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चों को खतरा है तो इन इनसे खुद से और किसी से खतरा नहीं। बता दूं अगर बच्चों को भी जरा सा कुछ हो गया, मेरे क्लाइंट गुलाम हैदर के वो बच्चे हैं, मेरा क्लाइंट गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर है, अगर बच्चों को इनकी लापरवाही की वजह से कोई घटना उनके साथ घटी या किसी प्रकार का अनहोनी घटना इन्होंने की या घटी तो मैं बख्शूंगा नहीं भाई। चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, आपके पीछे कितने भी ताकतवर का हाथ हो, कितने बड़े आप धुंधर हो, कितने बड़े ऑफिसर आपके साथ हो, कितने बड़े राजनेता आपके साथ हो, अगर बच्चों को कुछ हुआ या बच्चों के साथ कोई घटना अप्रिय घटना हुई तो बख्शूंगा नहीं। इस बात का ध्यान रख लेना, मैं बता रहा हूं आपको आज, और हल्के में मत लेना इस चीज को कि हल्के में कोई बात कह दी हल्के में ले दी। नहीं, रघुपुरा के अंदर एक नाबालिग बच्ची से रेप हुआ, एक बालिक ने उसके साथ जो अकल का अंधा था जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, मैं तो यही कहूंगा, और वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। मैं उसको इंसान ही नहीं कहूंगा, उसको जानवर कहूंगा, हैवान कहूंगा। उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और वो बाद में अरेस्ट हुआ, शायद वो नशेड़ी था या नशा करके ऐसा किया। रघुपुरा की ये घटना है, उसमें FIR भी दर्ज हुई, मीडिया में भी वो चला, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सीमा हैदर को भी कहना चाहूंगा कि सीमा हैदर होश में आओ। वीडियो बनाना, अलग अलग लोगों से मिलना, नाच गाना करना, नाच कूद करना आप कर रही हो, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों की सुरक्षा को देखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, तुम उसकी उन बच्चों की मां हो। ठीक है, तुम इलीगल रिलेशन में रह रही हो, इलीगल रिलेशन में तुम रह रही हो, अवैध संबंध में रह रही हो, और अपना आपको कहती हूं कि मैं बड़ी खुश हूं और हमने तुम्हारे पे मुकदमे भी डाल रखे हैं, कोर्ट फैसला करेगा कि तुम इलीगल हो या लीगल हो, उस चीज का फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन मां होने के नाते, अगर तुम, मुझे पता है तुम मुझे देखती हो, मां होने के नाते तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल, खासकर सिक्योरिटी का, उन बच्चों के साथ कोई वारदात ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, तो उसकी बेसिक जिम्मेदारी तुम्हारी है। गुलाम हैदर यहां नहीं है, गुलाम हैदर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और आज आपने देखा होगा दोस्तों कि गुलाम हैदर मजदूरी कर रहा था, पत्थर फोड़ रहा था, वो एक नेक इंसान है, एक मेहनत करने वाला इंसान है, एक कमा के खाने वाला इंसान है, मेहनत करना जानता है, और उसने अपनी मेहनत शुरू कर दी है।